हे गाइस व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम एक बार फिर से खेलेंगे GTA 5 ऑनलाइन। वैसे तो मैं GTA 5 ऑनलाइन ही खेलता हूँ क्योंकि ये बहुत ही मस्त गेम है और मुझे यही ज़्यादा पसंद है। तो आज हम अपने आर्केड के मिशन में प्रोग्रेस करेंगे। फिलहाल आज हम जाकर अपने आर्केड के लिए मैं वेपन्स चुराऊँगा ताकि हम कैसीनो हाइस्ट में प्रोग्रेस कर सके। फिलहाल तो हम लोग अंदर चलते हैं अपने आर्केड के, और मुझे पैसों की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत, क्योंकि मैंने ये आर्केड ख़रीदा, उसके बाद पीछे वाला गैराज ख़रीदा, तो मुझे मतलब मैं कंगाल हो गया हूँ। मेरे पास सिर्फ अभी 114,000 डॉलर ही है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर ऊपर स्क्रीन में। 14,000 रुपये नहीं, सिर्फ 12,000 डॉलर है मेरे पास। और यहाँ पर अभी शायद से कुछ मिलेगा इस लॉकर में से। कैसे खोलते हैं? ओके, अरे यार, अरे ओके, ये डाला कोड, मतलब कॉम्बिनेशन लगाया। कितने पैसे हैं? वाह, सिर्फ 1770 रुपये मिले। वैसे मेरी गाड़ी का नंबर है रियल लाइफ में। ओके, तो हम इसे अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। कैश हमें नहीं रखना अभी, क्योंकि हमें कुछ काम भी नहीं है कैश का। कैश रख के क्या करेंगे? डिपॉजिट 1770। यस ओके, तो हमारे पास अभी 14,000 डॉलर हो चुके हैं। बस हमें 45 डॉलर्स और चाहिए, तो हमारे पास 14,000 डॉलर हो जाएंगे। और अगर किसी को नहीं पता कि ये सस्ती एनाबेला इस ऑफिस में क्या करिए, तो मैं आपको बताता हूँ। ये एक्चुअली एक सीक्रेट डोर है हमारे बेसमेंट में जाने के लिए। वहाँ पर बेसमेंट में हम अपनी सारे सीक्रेट प्लानिंग करते हैं ताकि हम लोग अपने अपकमिंग हाइस्ट पर प्रोग्रेस कर सके, मिशन कर सके। तो सबसे पहले हमें VIP बनना होगा, VIP नहीं, सॉरी CEO बनना होगा, ताकि हम अपने कैसीनो हाइस्ट के लिए प्रोग्रेस कर सके। तो सबसे पहले मैं अपने आप को VIP बना लेता हूँ। VIP नहीं, मैं CEO, सॉरी, बार बार भूल जाता हूँ मैं। ओके, तो मैं CEO बन चुका हूँ, और अब मैं जाऊँगा मिशन करने। लेकिन कौन सा मिशन करूँ? हमने हैकिंग डिवाइस वाला कर लिया था, गेट अवे व्हीकल का नहीं किया, और अनमार्क्ड वेपन्स का नहीं गया। तो मैं गेट अवे व्हीकल करता हूँ, वेपन्स अभी नहीं करेंगे। जब एक बार मैं एक्सपीरियंस कर लूँगा, उसके बाद हम वेपन्स भी वाला भी कर लेंगे। फिलहाल हम व्हीकल वाला करते हैं। तो और मेरे पास अपनी कुरुमा है, ताकि मैं पुलिस से बच सकूँ। अब मुझे पता नहीं है लोकेशन कहाँ पर है, लेकिन मैंने 2 बार ये मिशन किया था पिछली बार। तो मुझे पहली बार तो पुलिस स्टेशन में जाना था, मतलब पुलिस के गैराज में जाना था, मतलब क्या बोलते हैं, पुलिस स्टेशन के वर्कशॉप में जाना था, जहाँ पर पुलिस की गाड़ियाँ रिपेयर होती है और बनती है, वहाँ पर जाना था। और दूसरी बार मुझे रेसिंग ट्रैक से गाड़ी उठानी थी। सबसे पहले मैं यहाँ से निकल लेता हूँ, रॉकफोर्ड हिल्स पुलिस स्टेशन, वहीं पे जाना है मुझे। पुलिस स्टेशन के गोडाउन में जाना है, वो बहुत ही मुश्किल काम है यहाँ से। अरे यार, वो गाड़ी तो एक बार मैंने चुरा भी ली थी। मुझे फटाफट निकलना होगा, मेरे पास आर्मर नहीं है। मैं रास्ते से आर्मर भी खरीद लूँगा। पहले मैं अमोनेशन का मैप लगा देता हूँ, यहाँ पर कोई पास में हो तो। रास्ते में तो एक यहाँ पर है, 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 एक यहाँ पर है। ओके, तो थोड़ा ही पीछे है, तब तो थोड़ा पीछे जाकर ले लेते हैं। अरे, गाड़ी ठोक दी साले ने। वैसे गलती हमारी थी, हमने बिना ऐसे सिग्नल बताए रोड में यू टर्न ले लिया। लेकिन इसमें सिग्नल बता भी नहीं सकते हम लोग, कैसे बताएंगे। ओके, तो यहाँ पर कहाँ पर है? ओके, ये रहा, यहाँ पर एम्यूनेशन आ चुका है। यहाँ पर जाके मैं फ़िलहाल अपने आर्मर्स ख़रीद लेता हूँ। ये वाला चाहिए मुझे ऐसे। ओके, तो मैंने 4 खरीदे, 2 खरीदे, कितने खरीदे? ये ओके, और नहीं ख़रीद सकते, मुझे लगा मैं और ख़रीद सकता हूँ। अब मैं कुछ बॉम्ब्स अगर हो मेरे पास, अगर ना हो तो मैं फुल कर लेता हूँ। ओके, स्टिकी बॉम्ब मेरे पास बहुत कम है, मतलब 17 है।
और ये गन नहीं चाहिए। ये कौन सी गन है? ओके ग्रेनेड लॉन्चर, लेकिन मुझे ये नहीं चाहिए क्योंकि ये $44,000 के हमारा पैसा ऐसा ही बर्बाद हो जाएगा। मेरे पास ये, मुझे ये लेना था होमिंग लॉन्चर फुल करवाना। ओके ये मैंने फुल करवा दिया है। और मुझे अच्छी जो भी मतलब एक साथ बहुत सारी गोलियां चले वैसी गन चाहिए, मशीन गन जैसा। ये एक एक शॉट में चले वो नहीं चलेगी हमको। तो कौन सी लुक, कौन सी लुक, ये अच्छी लग रही है ज़रा। My panic room is state of the art. Enjoy that. ओके तो हमारे पास गन्स है तो चलेगा हमें तो फिलहाल। तो मैं, मुझे निकलना है। ओ शिट मैं भूल गया, इस मिशन के लिए टाइम लिमिट होती है। अगर मैंने बहुत ज़्यादा टाइम लगाया तो मिशन फेल भी हो सकता है। तो मुझे फटाफट निकलना होगा यहाँ से, अभी सीजे जाना होगा रॉकफोर्ड हिल्स पुलिस स्टेशन, जो कि यहाँ से बहुत ही दूर है। यहाँ से 5.7 माइल्स दूर है, बहुत देर लग जाएगी यहाँ पर। मैं सोच रहा था यार कोई फास्ट व्हीकल ले लेता, ये ज़्यादा फास्ट नहीं है। रास्ते से कोई बाइक चुरा लूँगा और वहाँ पर जाके अपनी गाड़ी ऑर्डर कर दूँगा, ऐसा करता हूँ। ओके गाइस तो यहाँ पर मैं पहुँच चुका हूँ, अब बस 0.3 माइल और दूर जाना है हमें। और मुझे अपनी जो बुलेट प्रूफ कार है वो भी ऑर्डर करनी है। वैसे उसका कुछ काम तो नहीं लगेगा, मैं इसी गाड़ी से काम ख़त्म कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे बस उनके गोडाउन में जाना है, कुछ पुलिस वालों को मारना है और फिर सीधे उस गाड़ी लेकर निकल जाना है, वो गाड़ी को लेकर निकल जाना है। ओके तो यहाँ पर ये जो पुलिस स्टेशन है वो आ चुका है। ओके तो मैं अंदर जाता हूँ और लेस्टर ने कहा है कि हमें चुपके चुपके से जाना है ताकि कोई हमें नोटिस ना कर सके, वो ज़्यादा इजी रहेगा। लेकिन अगर कोई नोटिस कर लेता है तो बस एक ही ऑप्शन है, फिर सबको ख़त्म कर देना है। ओके गाइस तो मैं यहाँ पर अंदर आ चुका हूँ और यहाँ से निकल लेता हूँ। ओके शायद ये जो गाड़ी है वो लैम्बोर्गिनी लग रही है मुझे, वहाँ पर कोई है बंदा। ओके तो यहाँ पर छुप जाता हूँ, वो ये जो गाड़ी है वो हमें उठा कर ले जानी है। ओ ये कोई स्पोर्ट्स कार भी पड़ी है यहाँ पर। ये रही मेरी फेवरेट कार फेलॉन जीटी। कोई पुलिस वाला, वो अंधे को कुछ दिख नहीं रहे का। ओके तो मैं निकालू कैसे यहां से गाड़ी को। उसको कुछ सुनाई नहीं दिया, हम ऐसे ही निकल गए गाड़ी लेकर, किसी ने फायरिंग नहीं की। लास्ट ओके तो किसी पुलिस वाले ने देखा ही नहीं, एक ने देखा वो भी अभी चला जाएगा। हम यहाँ से ले लेते हैं, ओके यहाँ से ले लेते हैं, जहाँ से लेना है वहाँ से ले लेता हूँ मैं गाड़ी को। वहाँ पे एक जन ने देख लिया है लेकिन पीछा ना करे तो अच्छा। पिछली बार तो सारी पुलिस फोर्स मेरे पीछे पड़ गई थी, इसलिए मुझे ये गाड़ी छोड़कर अपनी बुलेट प्रूफ कार में मतलब ये गाड़ी मैंने चुरा ही नहीं पाया था। मैं मुझे फटाफट अपने बुलेट प्रूफ गाड़ी में बैठकर निकल जाना पड़ा था, लेकिन अब हम आराम से यहाँ से निकल सकते हैं। एक गाड़ी जो है वो मैंने चुरा ली है, शायद से दूसरी भी चुराने जाना है, लेकिन कहाँ जाना है वो फिर ये गाड़ी चुराने के बाद हमें पता चलेगा। ओके गाइस तो यहाँ पर आप मेरी कार देख सकते हैं, यहाँ पर से ही मैंने अपनी कार जो है वो एक्सचेंज की थी ताकि मैं जल्दी पहुँच सकूँ, लेकिन इस कार की कुछ ज़रूरत ही नहीं पड़ी, इससे ज़्यादा तो हम लैम्बोर्गिनी यूज़ कर लेते। लेकिन शायद हमें दूसरी गाड़ी चुराने में इस कार की मदद चाहिए होगी, मुझे पता नहीं है दूसरी गाड़ी कहाँ पर लेकर मतलब कहाँ लेने जानी है। फिलहाल तो मैं यहाँ पर बस पहुँचने ही वाला हूँ, 0.6 माइल्स दूर हूँ बस मैं, और मैं ऑलमोस्ट इस विलेज में एंटर करने ही वाला हूँ। ओके टर्मिनेशन भी आ चुका है, हमें वैसे कुछ ज़रूरत ही नहीं पड़ी इसकी।
ओके तो हाँ मैं यहाँ पर आ चुका हूँ। गाड़ी को यहाँ से गैराज के अंदर लेके चलते हैं। तो गाड़ी अंदर भी जा चुकी है। यू डिलीवर द हिस्ट प्रेप इक्विपमेंट। और कुछ लेने जाना है? ओके तो मैं मुझे शायद से वापस जाना पड़ेगा पुलिस वेयर हाउस के अंदर, लेकिन क्यों जाना है वही नहीं पता। फटाफट ये गाड़ी लेकर जाता हूँ मैं, लेकिन हमें वापस से कोई फास्ट गाड़ी चाहिए होगी। रास्ते में अगर वही वाली ऑडी मिल जाएगी तो मैं वापस से उसे चुरा लूँगा, ताकि मैं जल्दी से पहुँच सकूँ। वो गाड़ी बहुत ही ज़्यादा फास्ट है, और इस बार तो हमने टाइम लिमिट के अंदर ही कर दिया। लेकिन शायद अगर मैं जब तक मैं वहाँ से गाड़ी लेकर निकलूँगा ना, तब तक टाइमर चालू भी हो जाएगा। सिर्फ 5 मिनट का टाइमर, उतनी देर में तो हम पहुँच भी नहीं पाएंगे। इतना कम टाइम क्यों देते होंगे वो लोग। ओ वो वहाँ पर ऑडी गई थी एक। ये कौन सी गाड़ी है? ये नहीं चलेगी। ओ ये रही ऑडी। ओके ओके तो रुक भाई, यहाँ पर ही रुक, मेरे को तेरी गाड़ी चुरानी है। रुक 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 हाँ रुक गया। हाश उतर अब भी नहीं, इसको पहले ओके तो ये स्वर्ग सिधार गया है। अब हमें निकलना पड़ेगा यहाँ से फटाफट। गाड़ी थोड़ी सी आगे से ठुक गई, लेकिन कोई बात नहीं, इससे तो वेट भी कम हो जाएगा गाड़ी का और ज़्यादा फास्ट चलेगी ये गाड़ी। तो हमें फटाफट पहुँचना पड़ेगा, नहीं तो टाइमर शुरू हो गया एक बार तो फिर हम इस मिशन को कर नहीं पाएंगे। ओके गाइस तो मैं यहाँ पर पहुँच चुका हूँ पुलिस के वेयर हाउस पर, लेकिन मुझे नहीं पता मुझे यहाँ पर क्यों आना था। शायद से दूसरी गाड़ी चुराने आना था, तो मैं यहाँ पर वापस से पहुँच चुका हूँ दूसरी R8 लेकर। और मुझे वापस एक बार अंदर जाना है, और मेरी गाड़ी भी कन्वर्टेबल है, शायद उन्होंने मेरा चेहरा देखा नहीं। ओके तो मुझे वापस से अंदर जाना है एक बार, और चुपके से एक बार जाना पड़ेगा। तो फिलहाल तो अंदर चलते हैं और देखते कि क्या करना है हमें। ओके गाइस तो फिलहाल तो मैं यहाँ पर एंटर कर चुका हूँ, लेकिन मुझे गाड़ी दिख नहीं रही है। शायद से वो जो ब्लू कलर की है वो है, इसलिए मुझे फटाफट यहाँ से। ओके तो पहले इन सबको मारना पड़ेगा। अरे यार ये आखिरी वाला बचा है, लेकिन मुझे गाड़ी दिखाई नहीं दे रही कहीं पर भी। गाड़ी शायद से ये होगी, ये तो नहीं है, ये तो कहाँ पर है यार, कौन सी गाड़ी है ये है क्या? अरे यार अरे यार गाड़ी कहाँ पर है? वो यहाँ पर भी कुछ है लेकिन गाड़ी नहीं है। अरे यार कहाँ पर है? वो शायद वो है, ये नहीं है, ये भी नहीं है। अरे ये भी नहीं है। ओ ये ओके तो यहाँ पर मुझे ये गाड़ी दिख चुकी है, लेकिन पीछे हमारे पुलिस पड़ी है 3 स्टार की, तो मुझे कैसे छुड़ाना है उनको मुझे कुछ आइडिया नहीं है फिलहाल। तो फटाफट यहाँ से हमें निकलना पड़ेगा। अरे यार ये गाड़ियाँ ऐसे एक तो पार्क कर रखी है इन लोगों ने। पहले ये गाड़ी हटाता हूँ, ये वाली ऐसे छुपा के रखा था ना, कुछ दिखाई नहीं, अंधेरा अंधेरा था। ये भाग क्यों नहीं रहा यार जल्दी, एकदम धीरे धीरे भाग रहा है। अरे यार ओके तो गाड़ी में बैठ चुके हैं, यहाँ से हमें फटाफट निकलना है। पहले वाली गाड़ी इसने देख कैसे लिया पुलिस वालों ने हमें, हमें फटाफट से यहाँ पे से भागना होगा, नहीं तो वो लोग हमारे खिचड़ी बना देंगे। ओके ओ शिट, मुझे कहीं पर छुपना होगा जहाँ पर वो लोग मुझे पकड़ ना सके। ओके तो हेलीकॉप्टर भी मेरा पीछा कर रहे हैं, तो मुझे किसी अंडरग्राउंड जगह पर छुपना होगा जहाँ पर कोई भी मुझे देख ना सके। यहाँ पर चले जाता हूँ, लेकिन वहाँ पर पुलिस की गाड़ी है यहाँ पर पास में,
ओके, तो वो लोग मुझे ढूंढ रहे हैं फिलहाल, तो मुझे भागना होगा यहाँ से। मैं माइकल के घर में जाके छुप जाता हूँ, माइकल का घर यहीं पर है। ओके, आगे भी एक पुलिस वाला है, तो मैं यहाँ से ऐसे टर्न ले लेता हूँ फटाफट। आगे भी एक पुलिस वाले की गाड़ी है, तो मुझे फटाफट माइकल के घर में जाना होगा। अरे चलो फटाफट। ओके, यहाँ पर एक पुलिस वाला है, कूल। अरे जल्दी, ओ शिफ, सिर्फ 5 मिनट रह गए, मैं कैसे निकलूंगा यहाँ से? पुलिस भी छूट नहीं रही पीछे से। ओके, तो पुलिस ने हमें पीछा छोड़ दिया है हमारा। मुझे फटाफट से 5 मिनट के अंदर पहुँचना पड़ेगा, और ये गेट खोलने में इतना टाइम लगता है एक तो। ओके, यहाँ से 5 पॉइंट, मतलब यहाँ से ऑलमोस्ट 6 माइल्स है, मुझे यहाँ से भागना है। अरे भाग 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 भाग, मैं कैसे पहुँचूंगा? मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है, शायद ये फेल ना हो जाए तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा। तो ये पहाड़ी रास्ता है, और यहाँ पर बहुत देख के चलाना पड़ता है। सामने से गाड़ी आ जाती है, ऐसे कॉर्नर में गाड़ी लग जाती है तो पता भी नहीं चलता। फिलहाल तो यहाँ से निकलना पड़ेगा, 4 मिनट बाकी है और हमें 5 माइल दूर जाना है। ओके, तो 1 मिनट में हमने 1 माइल क्रॉस किया है। हाईवे पर हम ज़्यादा फास्ट हो जाएंगे, इसलिए मुझे लगता है कि मैं पहुँच जाएंगे तो अच्छा, नहीं तो फिर पछताना पड़ेगा। ओके, तो मैंने यहाँ पर 20 सेकंड में 1 माइल और ख़त्म कर दी, मैं शायद से पहुँच जाऊँगा। अरे यार, उसको कुछ हुआ भी नहीं, वाह। यहाँ से निकलना पड़ेगा, सिर्फ 3.5 मिनट बाकी है और मुझे पूरे अरे यार, ऐसे शॉर्टकट ले लेता हूँ, धीरे धीरे जाना होगा। अरे यार, कोई बात नहीं, 3 मिनट बाकी है और मुझे यहाँ से 5 माइल दूर जाना है, और 4.5 माइल आराम से हो जाएगा। हाईवे पर एक बार हम पहुँच गए ना, फिर तो भगा भगा के आराम से पहुँच जाएंगे। ओ शिट, अरे कोई बात नहीं, 3 मिनट बाकी है बस। अरे यार, ओके, तो हाईवे आ नहीं चुका है, थोड़ा आगे जाना है और हाईवे के लिए। अरे यार, ये क्या हो रहा है? ओके, तो यहाँ से सिर्फ 2.5 मिनट बाकी रह गए और मुझे 4 माइल पार करना है। एक बार हाईवे पर पहुँच जाऊँ यार मैं, हाईवे। ओके, तो हाईवे यहाँ पर मैं आ चुका, ये भी हाईवे नहीं, अभी तो और बहुत देर लगेगी यार। कोई बात नहीं, रास्ते में भगा लूँगा आराम से। 2 मिनट रह चुके हैं, मैं पहुँच जाऊँगा। लेकिन ये हमें टाइम क्यों देता है, मुझे तो वही समझ नहीं आता। आराम से मैं लेके आ ही रहा हूँ ना। ओके, तो मैंने 3 माइल्स ही रह गए, मुझे फटाफट ये भी पार करना होगा, सिर्फ 1.5 मिनट रह गया है। ओके, तो गाड़ी बहुत ज़ोर से भगानी पड़ेगी मुझे, कई ठोके ना ऐसा मुझे मेक श्योर करना होगा। तो मैंने कुछ सेकंड्स के अंदर 2 माइल ही रह गए बस। ये हाईवे पर ये स्पीड क्यों नहीं पकड़ रही है गाड़ी, मुझे ये समझ नहीं आ रहा, शायद से स्लोप है इसलिए। भगाना पड़ेगा। ओके, तो बस 2 माइल रह गए और 1 मिनट बचा हुआ है। ये वाला टर्निंग मुझे ज़रा भी नहीं पसंद, यहाँ पर ही ज़्यादातर एक्सीडेंट होते हैं और हो भी गया। ओके, तो हमारी स्पीड ज़्यादा कम नहीं हुई इसलिए अच्छा है, मुझे भगानी पड़ेगी यहाँ से गाड़ी से। 2 माइल रह गए और 50 सेकंड ये मेरे पास, मुझे बहुत स्पीड भगानी पड़ेगी, लेकिन ये भाग नहीं रही, वही प्रॉब्लम है। ओह शिट यार, 1 माइल ही अभी रहने वाला है। अरे यार,
चुके, तो बस एक माइल रह चुका है और मुझे फटाफट भागना पड़ेगा। 30 सेकंड ही रह गए हैं बस, ठूके ना तो अच्छा कहीं पर गाड़ी 81। अरे यार यहाँ पर रास्ते में मेरी गाड़ी भी आ गई है जहाँ से मैंने अपनी ऑडी आर8 बदली थी। 10 सेकंड ही बाकी रह गए, मुझे पहुँचना पड़ेगा, नहीं हो पाएगा यार, हट। ओके तो बस ऑलमोस्ट पहुँच ही गया हूँ और अरे यार कुछ सेकंड्स के लिए रह गया। अरे पहुँच ही गया था मैं, ऑलमोस्ट पहुँच गया था मैं। ओके गाइस तो कोई बात नहीं, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो सो लाइक कर दीजिए, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो मिलते हैं मेरे अगले यूट्यूब वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।